क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। आज मौसम बढ़िया था, हवा भी अच्छी चल रही थी। सोचा कि चलो थोड़ी गाड़ी निकाल के एक कैजुअल व्लॉग बनाया जाए। बाकी देखा जाए तो देखो पेट्रोल के दाम तो बढ़े ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं है इन लोगों का। दबा दब एकदम पैसे खींचे जा रहे हैं कस्टमर से, लेकिन हम भी मजबूर, गाड़ी चलानी पड़ेगी, व्लॉग बनाना पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा। तो भराओ भाई पेट्रोल, फूको पैसे, कोई बात नहीं। यार बात कर रहे हैं आज के ब्लॉग की, तो ऐसा कोई खास स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट ऐसे कैजुअल ब्लॉग्स है। यूँ समझ लो बस हाथ में कैमरा पकड़ के स्टीयरिंग दिखाने का मन हो रहा था कि यार थोड़ा सा बातचीत की जाए ऑडियंस से। यार तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कैसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कमेंट में, ज़रा हमें भी तो पता लगे कि हमारी ऑडियंस को कैसे वीडियो देखना पसंद है। हाँ एक चीज़ ध्यान आई, एक वीडियो था हमारा जिसमें हमने पूछा था कि एग्जॉस्टर का माइलेज आपको देखना है कि टैंक में जब पेट्रोल होता है जलाने के लिए तो कितना माइलेज वो दे देती है, थोड़ा रो रो के कैसे। तो बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाया होगा उनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, हमारे एक बार आप वीडियोज़ प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कीजिए, आपको ब्लॉस्टर का वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको उसका माइलेज दिख जाएगा जो उसका सेंटर MID होता है वहाँ पर। एक और चीज़ मुझे ये बताओ, कभी अगर गाड़ी का शोरूम खोला तो हम लोगों ने और उसमें अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखी हुई है, लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं मज़े से वीडियो बनाते हैं निकल लेते हैं, गाड़ी कोई नहीं खरीदता, कैसा लगेगा, बुरा लगता है ना। ठीक वैसे ही दिल से बुरा लगता है भाई, तुम लोग वीडियो देखते हो लाइक भी कर देते हो सब्सक्राइब नहीं करते। यार चैनल के एनालिटिक्स में देखा हमने और पता चला कि आधे से ज़्यादा लोग तो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख लेते हैं। यार वीडियो के मज़े ले रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है, कर लिया करो, बेल आइकन भी दबाओ, अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आते हैं हमें पता है, यूट्यूब का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम फिर से सब्सक्राइब कर लो ना, अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो, प्रॉब्लम सॉल्व, समझ रहे हो। बाकी तो फिर ओह रील बनाई जा रही है भाई सड़क पर, इनका सही है यार, लाखों लाखों का हज़ारों व्यूज़ कमा लेते हैं थोड़े से गानों पर लिप सिंक करके। सॉन्ग मेकर का भी फ़ायदा है, पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, रील वाले फेमस कर देते हैं गानों को। हाँ दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता था कि एक प्रोडक्ट रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं चैनल पे, इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। सेलो की डिटेल्स और उसके कॉन्टैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो ज़रा चेक कर लेना। अगर आपको ख़रीदना हो तो अच्छे आपको ऑफरिंग भी दे देंगे सेलर, और क्वालिटी भी अच्छी है उनके प्रोडक्ट की, अगर जाना तो भाई। हाँ सो मिलते हैं किसी दूसरे कैजुअल ब्लॉग में, अगर ऐसे ब्लॉग्स आपको पसंद आए तो डू टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप देखिए वीडियो। हमारा जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम है फैपटेक, हिंदुस्तान एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ही हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं और हम 30 सालों से इस फील्ड में अपनी जगह बनाए रखे हुए हैं। ओवरव्यू में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये कैसे खुलने के बाद कैसा लगेगा और पैक में ये कैसा शेप रहता है। तो सैंडविच टाइप डिज़ाइन रखे आप देख सकते हैं, कलर काफ़ी बढ़िया है, ब्लू एंड सिल्वर की स्टिचिंग भी अच्छी से आपको दी गई है। इसकी फिट जो आप देख सकते हैं, हमारी कार है i20 LU, इसकी फिटिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। व्हील दिखना थोड़ी बहुत लाजमी है, कार कवर की निशानी होती है। बाकी अगर बात करें हम इसके मिरर फिटिंग्स की और ऊपर जो एंटीना होता है कार का उसका, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग दी गई है। बात करें अगर इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक की कोटिंग काफ़ी बढ़िया है, फैब्रिक का इसका 3 लेयर की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके प्रोडक्शन को इंश्योर किया जाए। बात करें अगर स्क्रैच प्रोटेक्शन की, तो ये जो कवर है ये बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ है, जब आप अपनी कार को इससे ढकेंगे तो बिल्कुल ये इंश्योर करेगा कि आपकी गाड़ी में जरा भी स्क्रैच ना पड़े। आजकल मार्केट में भी काफ़ी यूनिवर्सल कवर्स मिलने लगे हैं जिनका यूनिवर्सल फिट होता है लेकिन परफेक्ट फिट कभी नहीं होता। बात करें अगर कार कवर की, तो कार कवर में सबसे इंपॉर्टेंट उसका फीचर होता है उसकी स्टिचिंग कैसे की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेयर स्टिचिंग है, जिसका मतलब होता है ट्रिपल थ्रेड स्टिचिंग। ये आपकी गाड़ी को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और फैब्रिक को अच्छे से होल्ड करके रहेगा ताकि स्ट्रेंथ मजबूत रहे गाड़ी की। इस कार कवर की अगर वाटरप्रूफिंग की बात की जाए, तो वाटरप्रूफिंग की जो कोटिंग होती है जो हम फैब्रिक पे करते हैं ताकि गाड़ी वाटरप्रूफ रहे, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल अंदर से सूखी है, ऊपर भले ही इसमें कितनी ही तेज़ बारिश हो, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन दिखेगी जैसी आपने रखी थी। बात करें अगर गाड़ी की स्ट्रैप की, जो कवर में स्ट्रैप लगा होता है और जो लॉक सिस्टम दिया गया होता है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। यहाँ पे जो बेल्ट है उस पर ब्लैक एंड वाइट स्टिचिंग दी गई है कलर के हिसाब से, एंड जो प्लास्टिक है जो बकल में यूज़ किया गया है वो हार्ड प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है ताकि ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके।